करते हैं इंदौर से मिल रही खबर का, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बयान दिया है। इंदौर में उपचुनाव में 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत दर्ज करेगी। उपचुनाव में बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीतेगी 28 सीटों पर। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ पर भी निशाना साधा कैलाश विजयवर्गीय ने और कहा कि कमलनाथ नारियल लेकर चले या नारियल का पेड़, कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता हकीकत जानती है। 15 सालों में शिवराज सरकार ने जो काम किया है उसके बाद जनता अब बीजेपी के साथ है। कमलनाथ सरकार के 15 महीनों में प्रदेश का कोई विकास नहीं हुआ, बल्कि कांग्रेस और मंत्रियों का विकास हुआ। कार्यकर्ता की तस्वीर पर माला चढ़ सकती है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के लिए आज के समय में काम करना बहुत चुनौती भरा है और हमारे कार्यकर्ता बहुत साहस से और बड़ी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। और ये सामने हिंसा हो और आप अहिंसक तरीके से काम करें, ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। कई बार ऐसा लगता है कि सामने वाला हमला कर रहा है तो हम भी हमला कर दें, पर पार्टी का एक मिशन है, पार्टी की एक विचारधारा है, वो बिल्कुल अहिंसक है। अहिंसक रह के हिंसा वाली पार्टी के सामने काम करना ये हर कार्यकर्ता के लिए चुनौती है। और बंगाल में चूँकि डेमोक्रेसी नहीं, वहाँ पर प्रजातंत्र की रोज धज्जियाँ उड़ती हैं और इसलिए वहाँ स्थिति बहुत ख़राब है।